अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन, मंत्री की मौजूदगी में ही होती रही आपसी नोकझोंक। किसी ने मंच में जगह ना मिलने का दुखड़ा रोया तो किसी ने अपनी हार का ठीकरा फोड़ा। मामला शहर के राजपूत गार्डन का है, जहां आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेसी गुटबाजी से बाज नहीं आए। कांग्रेसी मंच पर गुटबाजी करते दिखे, अव्यवस्थाओं का आलम दिखा। किसी को कुर्सी की चिंता थी तो किसी को हार का गम, सबकी अपनी अपनी दलीलें थीं। पार्टी भी उनकी, नेता भी उनके, बावजूद इसके किसी की प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं रखा गया। शायद कांग्रेस अभी भी रीवा की 8 सीटें हारने के सदमे से नहीं उभर पाई है। इसी के चलते सबसे पहले मंच से कांग्रेस महामंत्री रणजीत जान ने अपनी भड़ास निकाली। मामला बिगड़ता देख कार्यकर्ताओं ने स्पीकर ही बंद कर दिया। इस दौरान मंच पर जमकर हो हल्ला होता रहा। रीवा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा भी अपनी हार की भड़ास कार्यकर्ताओं पर ही निकालते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे हराने वाले भी यहां मौजूद हैं। हमारे प्रभारी मंत्री योगी को आमंत्रित करती हूँ और मंच पर खड़े लोगों से निवेदन करती हूँ, रजी भाई मंच पर खड़े लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। ये मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, आप अपने स्थान पर बैठ जाए और हम बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय लखन मंगौरिया जी को करतल धड़ी से स्वागत करते हैं इस मंच पर। हम लोग कार्यकर्ता है, 40 साल से कोई नहीं पहचानता है। पूरे कार्यक्रम को जिनके कारण मंच पर थोड़ी अव्यवस्था फैल रही है उनसे निवेदन करूंगी कि आप कृपा करके आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता, यहाँ आम जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता जो 15 साल से विस्थापित है, 15 साल से भी कोई सुनने वाला नहीं है, 15 साल से कोई पूछने वाला नहीं है। इस 15 साल में इस कार्यकर्ता जो कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ है। यही कार्यकर्ता के पास अगर गांव का एक आदमी, वार्ड का एक आदमी काम कराने आता है, अगर आप जब तक इनको मजबूत नहीं करेंगे ना कांग्रेस को वोट मिलेगा। मैं इस मंच के माध्यम से सबसे मांग करता हूँ कि कांग्रेस के सिपाहियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनका उचित स्थान दीजिए, सम्मान दीजिए। मेरे को मंच में न बैठने का शौक है न भाषण देने का शौक है, लेकिन जय जय भारत। के लोग हैं, हमारे विरोधी लोग भी बैठे हैं। कांग्रेस
पार्टी के बाहर हमारा विरोधी दल बैठा है, भारतीय जनता पार्टी जैसे दल बैठे हैं जो इसी तरह के आनंद की अनुभूति चाहते, उनको इस आनंद की अनुभूति नहीं देनी चाहिए। थोड़ा मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा बहुत अगर कहीं अपने परिवार में गलती हो भी तब भी हमें ऐसा काम नहीं करना है जो बाहर बाजार में पड़ता है। मुझे लगता है मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कुछ बोलने का तो कोई फायदा है, पर इतना जरूर मुझे लगता है कि अच्छाई के बच्चे विचारों के साथ जीने पर ही जीवन का परमार्थ है। दुनिया की सभी दुनियादारी अच्छे बुरे काम करने के बाद एक बात अंततः समझ में आती है कि सही चलने में ही फायदा है।